जनजन की आवाज जीवन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है और हम ईडी कार्यालय के बाहर खड़े हैं और पंकज मिश्रा या पूजा सिंघल हो, सबका अपडेट हम आपको रेगुलर देते आ रहे हैं। और अब जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि पंकज मिश्रा को हॉस्पिटलाइज किया गया है, जी हाँ, रिम्स में एडमिट कराया गया है, उनकी हालत खराब हो गई। हमने आपको रेगुलर ये न्यूज दिखाया था कि पूजा सिंघल, निलंबित आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल, कैसे उनका तबियत खराब हो गया, वो रिम्स में एडमिट थी, माफ कीजिएगा, रिम्स ले जाया गया था, लेकिन उसके बाद फिर कार्रवाई के दौरान बार बार उनका पल्स रेट डाउन हो जाता था, कभी बीपी लो हो जाता था, स्पेशली डॉक्टर की टीम मंगाई जाती थी उनको जांच के लिए, लेकिन जांच में सिर्फ यही कहा जाता था कि टेंशन की वजह से ऐसा हो रहा है। और पूजा सिंघल को अपर डिवीजन सेल में भी रखा गया, उनकी खास सेहत को देखते हुए उनका सेहत अभी भी उतना कोई सही नहीं है, उन्होंने बेल की याचिका भी की है। सेम प्रोसेस, सेम चीज देखा जा रहा है पंकज मिश्रा के केस में। हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का भी हालत कुछ ठीक नहीं है, बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच में उनको ले जाया गया और उनका जांच चल रहा है रिम्स में। पता चला कि इतनी हालत खराब है कि भर्ती कराया गया है पंकज मिश्रा को। बताते चले कि सवाल का जवाब वो नहीं दे पा रहे और ईडी, जैसे हमने आपको बताया था, ईडी अपने पूरे पुख्ते सबूत के साथ मौजूद है और एक भी सबूत ऐसा नहीं है जिसमें पंकज मिश्रा क्रॉस क्वेश्चन कर पा रहे, बल्कि ईडी जब भी कुछ पूछ रही है वो चुप हो रहे या फिर जो भी जवाब दे रहे उस पर ईडी साफ तौर पर कह रही है कि हम आपके जवाब से सहमत नहीं। और सवाल ऐसा, और जब पूरा सबूत सामने हो तो किसी का भी बीपी लो हो सकता है। बता दे रहे, बीपी बॉक कभी हाई हो जा रहा है पंकज मिश्रा, कभी नो लो हो जा रहा है, पल्स रेट कभी कम हो जा रहा है, कभी चक्कर आ रहा है, कभी बेहोश हो जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही है। यानी कि पूछताछ, जो रिमांड हमने आपको बताई थी कि 6 दिन के लिए बढ़ाया गया पंकज मिश्रा का, वो बेकार जाते हुए नजर आ रहा है क्योंकि ये सहयोग नहीं हो पा रहा है, ऐसे उन्होंने बहुत अहम खुलासे किए हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही आ रही है कि हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि एक दो तीन दिन उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाएगा, उसके बाद फिर से यहाँ लाके पूछताछ फिर से शुरू होगी। क्योंकि इन्हीं के खुलासे के बाद आपको बता दें कितने 75 करोड़ का जो संपत्ति है साहिबगंज में जब्त किया गया है, कितनी 30 करोड़ का मालवाहक जवाब जब्त किया गया है, सारा अभिषेक प्रसाद दाहू यादव सबके खदानों में जाके जांच पड़ताल की जा रही है, साहिबगंज में 2 टुकड़ी मौजूद है ईडी की टीम। तो इतने बड़े स्तर पर जो कार्रवाई हो रही है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, ये सब पंकज मिश्रा के खुलासे पर हो रहा है, तो इनका ठीक होना वाकई में ईडी के लिए बहुत जरूरी है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।